खबर की हो, जहां ऋषि गंगा ग्लेशियर के टूटने से आई बाढ़ पर सवार होकर आई ये मौत। जी हां, रेणी और तपोवन के बीच करीब एक घंटे तक नाचती रही मौत सामने से दिख रही थी। बह रहे हैं लोग और वहां आई है कि घबरा रहे हैं लोग, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे। उस बाढ़ की चपेट में जो भी आ रहा है वो उससे बहता हुआ वहां से चला जा रहा है। पहले ऋषि गंगा और फिर धौली गंगा में उफान मारती लहरों ने किसी को बचने का मौका नहीं दिया। लोग चिल्लाते रहे, चीखते रहे, लेकिन बाढ़ अपनी चपेट में लेके लोगों को जाती रही। जो भी चपेट में आया उसे लील लिया गया। जी हाँ, जो भी चपेट में आया उस बाढ़ के उसे लील लिया गया और वो अपने मौत के घाट उतर गया। राहत और बचाव कार्य शुरू यहाँ पे कर दिया गया है। मलबे से अभी भी लोग निकाले जा रहे हैं, शव निकाले जा रहे हैं। बाढ़ की क्रूरता को ये जो दृश्य है ये हमें देखकर एक हृदय विदारक घटना हमारे सामने आती है। उस घटना को देख के, उस दृश्य को देख के हमारा दिल एक घबरा जाता है बहुत ज्यादा। मलबे से अभी भी लोग निकल रहे हैं, शव निकल रहे हैं, बड़ी संख्या में अब भी लोग वहां से लापता है। सुबह के वक्त में जिसने भी ऋषि गंगा और धौली गंगा का विकराल रूप जिसने भी देखा, वह सिर सहम उठा, वह कुछ बोलने के लायक नहीं रहा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में बाढ़ को देखकर चीखते हुए लोगों का भय, उनके लोगों का एक डर साफ साफ उनकी आंखों में नजर आ रहा है। ऊंचाई पर खड़े लोगों ने धौली गंगा को उफनते हुए देखा था। तबाही को आते देख लोगों ने चीखते हुए नीचे प्रोजेक्ट में काम कर रहे लोगों को सावधान करने की पूरी कोशिश की। आप आसपास देख सकते हैं कि लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि आप संभल जाइए, बाढ़ उधर से बढ़ती हुई आ रही है। लेकिन कहते हैं ना, जिसकी मौत सामने आनी होती है उसे कोई नहीं बचा सकता। हम पूरी टीम की ओर से, पूरे देश की ओर से सिर्फ प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर जो भी लोग इस घटना में मृतक हुए हैं उन लोगों को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, और जो भी परिवार के लोग यहाँ से गए हैं उस परिवार को ढाढ़स बंधाए और उस परिवार के हम साथ हैं। यही सरकार की ओर से भी खबर बढ़ती जा रही है, मिलती जा रही है कि सभी लोग साथ में हैं और हर व्यक्ति से वहां बचने के लिए लोगों के लिए